कोरोना वायरस महामारी के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगा बैन 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने इसकी जानकारी दी है। DGCA ने एक सर्कुलर में कहा कि यह बैन इंटरनेशनल कार्गो संचालन और DGCA की ओर से अप्रूव फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। कोरोना वायरस के चलते पिछले साल जून में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन की घोषणा की गई थी। कई महीनों में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है, DGCA ने कहा। हालांकि इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स को सक्षम प्राधिकारी की ओर से चुनिंदा मार्गों पर केस टू केस बेसिस पर अनुमति दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पिछले साल घरेलू फ्लाइट्स के संचालन की अनुमति दी थी। गौरतलब है कि कोरोना के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स के सस्पेंड होने के बाद मई से वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट्स और जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल अरेंजमेंट के तहत ऑपरेट की जा रही हैं। वर्तमान में भारत ने 23 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल एग्रीमेंट किया है। इनमें अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इथियोपिया, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, केन्या, कुवैत, मालदीव, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रवांडा, तंजानिया, यूक्रेन, UAE और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। आपको बता दें कि केंद्र ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद वहां की फ्लाइट्स पर भी बैन लगा दिया था। हालांकि इसे बाद में हटा लिया गया था, लेकिन अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के प्रतिबंध को बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब 28 फरवरी तक बंद कर दी गई हैं।